नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के अल्फा सिटी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आशियाना फाउंडेशन की तरफ से आज स्वर्गीय रघुवीर सिंह बलड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए यहां पर तीसरा विशाल रक्तदान व मेडिकल शिविर लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। और आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर करनाल के जो तहसीलदार हैं राजबक जी, वो भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसपी चौहान हैं, वो भी यहां पर मौके पर। और आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं आसपास के करनाल के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जितने जो यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। करनाल के अल्फा सिटी में आशियाना फाउंडेशन की तरफ से आज तीसरा विशाल रक्तदान शिविर है, जहां पर युवा लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हुए हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी WWE से रेसलर भी हैं यहां पर, जो रोहतक से यहां पर पहुंची हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आशियाना फाउंडेशन की तरफ से जो तीसरा रक्तदान शिविर रखा गया है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर करनाल की मेयर है मिसेज रेणुबाला गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुंचे। मैम, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी और युवाओं में किस तरीके से जो है उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहेंगी कि रक्तदान जरूर करें? आज हमारे चौधरी रघुवीर सिंह जी पलड़ी की याद में आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, यह उन्हीं की चलाई हुई एक रीत है। पहले उनके सानिध्य में दो कैंप लग चुके हैं, जिसे पूरे समाज ने आगे बढ़कर पूरी तरह से सहयोग किया जी। आज पूरा बलड़ी परिवार इस बात के लिए उनकी स्मृति में इस कैंप को लगाया। और आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, युवा वर्ग से जुड़े हुए, जिनके सिर पर समाज की जिम्मेदारी है। एक वैश्विक महामारी का दौर है, जिसमें हर तरह से ये सेवा करने के लिए आशियाना फाउंडेशन के तौर पर सेवा हर तरह से करने के लिए तैयार है। ये चौधरी साहब की चलाई हुई रीति नीति को निभाना चाहते हैं और आज ये उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि किस तरह से हम समाज में जुड़कर आगे युवा आकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और देख रहे हैं कि युवाओं में रक्त देने के साथ साथ एक जोश भी है कि कहीं कोई समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी लगती है तो वो पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार है। आज मैं बलड़ी गांव की सभी युवाओं को इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हुए चौधरी साहब के चरणों में नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं कि जो आपने रीति नीति सिखाई है उस पर आगे बढ़ने का सभी युवा प्रयास कर। मैम, आपने युवाओं के जोश की बात की, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग होते हैं जो रक्तदान करने से डरते हैं, काफ़ी गलतफहमियां उनके मन में होती हैं, उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आप जब देखेंगे करनाल का ये एक दौर, वैश्विक महामारी का दौर गुजरा है। पहले कहीं इस तरह की भ्रांतियाँ रहती थी, पर जब आपने देखा कि करनाल ने तो बाकी शहरों के भी ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और सभी युवा इसमें आगे बढ़कर हमेशा आगे आते रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा कि निफा ने लगाया था, उससे पहले भी कोई छोटी बड़ी संस्थाएं हर तरह से, जहां भी इस दौर में भी जब लोग डर रहे थे आसपास के क्षेत्रों के, तो वो पूरी जहाँ ज़रूरत थी वो करनाल की तरफ से पूरी की गई। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ इन युवाओं का जो आगे बढ़कर समाज में इस तरह की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे करनाल के नगर निगम की मेयर मिसेज रेणुबाला गुप्ता, जिन्होंने कहा कि युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। और कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि करनाल के एक निफा की तरफ से एक कार्यक्रम के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें करनाल और आसपास के युवाओं ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसमें कई गुना यूनिट जो है ब्लड डोनेट किया गया था। और यहाँ पर भी मैं आपको अंदर की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगी कि आशियाना फाउंडेशन की तरफ से आज जो तीसरा महा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, वो अपने आप में एक बड़ी काबिले तारीफ बात है। और आप सभी लोगों से मेरे को इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं एक तरफ जो है रजिस्ट्रेशन हो रही है, एक तरफ जितने भी युवा लोग यहां पर आ रहे हैं, जो आसपास के करनाल के बलड़ी के भी लोग यहां पर पहुंचे हैं बलड़ी गाँव से। और आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है और उसके साथ साथ कुछ युवाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, प्रशस्ति पत्र भी उनको दिया जाएगा। जो युवा आज यहाँ पर ब्लड डोनेट करेंगे, जो लोग यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित किया जाएगा, जो आज के यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं उनके हाथों से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा ब्लड डोनेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी अपील यही रहेगी कि वीडियो को देखें भी और शेयर भी करें, और आप सब भी मोटिवेट हो सकते हैं इन सभी लोगों को देखते हुए कि किस तरीके से जो करनाल का युवा है वो कितना बढ़ चढ़कर सामने आता है जब इस तरीके से कहीं पर भी कोई ब्लड डोनेशन कैंप
लगाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसी तरीके से शाम तक यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है मेडिकल के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी युवा हैं जो आसपास से करनाल से यहाँ पर पहुँचे हुए, कुछ युवाओं से बातचीत करने का भी एक बार प्रयास ज़रूर करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या कहना चाहेंगे। आशियाना फाउंडेशन की तरफ से तीसरा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। मैम मेरा तो फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है आपको? आयुष। कहाँ से हो? कुंजपुरा से। पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम है। तो कहाँ से ये फीलिंग आई कि अब मुझे ब्लड डोनेट करना है? बड़े भाई ने कॉल की थी इसलिए आया था मैं कहा चल कोई बात नहीं, अच्छा काम है इसलिए आ गया। तो आपके कोई और दोस्त भाई बंधु भी यहाँ पर आए? मैम मेरा बड़ा भाई आया, ये भाई आया मेरे साथ। अच्छा, इसलिए मैम। अच्छा लग रहा है अभी ब्लड डोनेट? मैम अभी तो बेटर फील हो रहा है, बाकी आगे देखते हैं। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि रक्तदान महादान, आपके रक्त से किसी की जान बच सकती है। और यहाँ पर जब युवाओं से हम बातचीत करें तो उनका भी यही कहना है कि बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है जब आप ब्लड डोनेट करते हैं और जब आपको पता होता है, आपको ज्ञात होता है कि आपके ब्लड से किसी की जान बचने वाली है। थैलीसीमिया की कमी की बात करूं और वैश्विक महामारी का दौर, इस वक्त कोरोना काल का दौर चल रहा है और उसमें भी खून की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है। कुछ और युवाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कहाँ से। आप देख सकते हैं मेडिकल टीम पूरी मौके पर पहुँची हुई है अपने पूरे तामझाम के साथ। और आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी कि करनाल की अल्फा सिटी की इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। तो इस वक्त गुरकीरत सिंह जी भी साढ़े नाल हैगे ने, जिन्हां दा खुद दा एनजीओ भी हैगा। की कहना चाहोगे आज इत्थे पहुंचे हो? अज काफ़ी अच्छा लग्या मैनूं इत्थे आके। सो मेरा वीर प्रितपाल सिंह रंधावा मैनूं लै के जो साढ़े हमेशा सानूं अगे रखते हैं, और अज साडी टीम भी काफ़ी जने नाल आए हैगे अज। घटो बहुत सारी यूनिट इत्थे जाणगे, और सब तो अच्छी गल है कि ये यूनिट इस तो बाद सरकारी हॉस्पिटल जाणगे। जिहड़ी सब तो ज़्यादा कंजप्शन आ वो मेरे हिसाब नाल सरकारी हॉस्पिटल च हैगी, और बहुत अच्छी गल है कि अज दा यूथ, अज दा समाज आके इत्थे खड़ा। बहुत सारी दुनिया ये कहती है कि लोग नशियां च जा रहे हैं, यूथ खत्म हुंदा जा रहा, बट मैनूं इत्थे आके ये लग्या कि यूथ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि कहिंदे आ रक्तदान महादान। सो ये बहुत वड्डा दान है जिहड़ा सानू भी करना चाहिए और इस समाज वास्ते बहुत अच्छी गल है। सर थैलीसीमिया की कमी तो एक देखी जाती है, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो एक्सीडेंट, इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार ब्लड इतना ज्यादा निकल जाता है कि उस समय ब्लड की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और शायद उस समय जिन लोगों का यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिन लोगों के लिए, और जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनके रक्त से किसी की जान बच जाती है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी गौरव की बात होती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है काफी यूथ आया हुआ है, और इसके बाद हम हॉस्पिटल होते हैं शाम को, मेरी टीम 6 बजे से लेके टिल नाइट, मतलब नाइट तक ये लगा लो 9 बजे तक, 10 बजे तक हम वहीं होते हैं। सो इतने सारे एक्सीडेंटल केसेस आते हैं जिनके लिए इमरजेंसी में ब्लड चाहिए होता है। और कल्पना चावला, बहुत अच्छी बात है, कल्पना चावला ब्लड बैंक उसी टाइम अरेंज करवा देता है, क्योंकि मेरे को लगता है ज़रूरतमंद परिवारों को सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, और अगर ब्लड वहाँ ना मिले तो ऐसे भी ब्लड कैंप्स हैं जो ब्लड डोनेट करवाते हैं, ब्लड अरेंज करवाते हैं। सो बहुत अच्छी गौरव की बात है जैसे आपने कहा। तो आप देख सकते हैं गुरकीरत जी हैं, और जिन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा कंजप्शन सरकारी अस्पतालों में की जाती है, और यहाँ पर जितना भी यूनिट ब्लड इकट्ठा होगा वो सारा सरकारी अस्पताल में जाएगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की भी इन्होंने तारीफ की कि किस तरीके से अगर वहाँ पर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो कल्पना चावला में सबसे पहले ब्लड मिल जाता है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। स्वर्गीय रघुवीर सिंह बल्लड़ी जी के श्रद्धांजलि देते हुए उनकी अगुवाई में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 ब्लड डोनेशन कैंप लगे थे, और आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर तीसरा विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इनके साथ साथ मैडम भी हैं, रेसलर हैं WWE से, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। मैम क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर पहुंचे? जी सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम कविता देवी है और मैं भारत की पहली महिला हूँ जो WWE में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, और राष्ट्रपति जी द्वारा फर्स्ट लेडी का अवार्ड से भी सम्मानित की हूँ। और आज जो रघुवीर जी के यादगार में जो शिविर कैंप लगा है ब्लड डोनेशन का, ये बहुत ही पुण्य काम है, और अहो भाग्य हमारे कि हम इसमें शिरकत कर पाए, हमें यहाँ आने का मौका मिला। और मैं युवाओं से तो यही कहूँगी कि भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपने आप को सबसे पहले स्वस्थ रखें, मैदान से अपने आप को जोड़ें, खेलों से जोड़ें, ताकि खुद भी स्वस्थ रहें और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी स्वस्थ रख सकें।
तो मैम युवाओं के लिए कोई और मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी भी डरते हैं ब्लड डोनेट करने वक्त? देखिए, ह्यूमन बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो सेल्स जनरेट करती रहती है, इसमें जी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा खाना खाना पड़ता है, हेल्दी डाइट चाहिए और आपको वर्कआउट की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी आप स्वस्थ रह पाते हैं। और युवाओं को इसमें डरने की बात नहीं है, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और ब्लड तो आपका जनरेट होता रहता है और आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो हजारों जिंदगी आप बचा सकते हैं, तो ये तो पुण्य काम है, करना चाहिए। पुण्य काम है रक्तदान, महादान। और आप देख सकते हैं राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, आज मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के करनाल में पहुंची हैं, मूल भाव से रोहतक की रहने वाली हैं, और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देखें भी और इसे शेयर भी करें। तो इस वक्त हमारे साथ बलवान सिंह भी हैं, वॉलीबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, वो आज यहाँ पर पहुँचे। और सबसे बड़ी खास बात, जो आज के यहाँ पर मुख्य अतिथि पहुँचे हुए हैं, सब के सब अपने आप में फिट हैं, खिलाड़ी हैं, सर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं चौधरी रघुवीर सिंह की पुण्यतिथि पर जो ये आयोजन किया गया है ब्लड कैंप का, बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसमें एक से बढ़कर एक हस्ती, जैसे WWE से हमारी पहली वुमेन रेसलर जिसने सैफ गेम में भी गोल्ड मेडल लिया है अलग अलग गेम में पावर लिफ्टिंग में, उसके बाद WWE में पहली महिला होने का गौरव मिला और वो यहाँ पर पहुँची है, और उनके साथ माराम चंद्रभान जी उर्जी और अपने ब्रिज शर्मा जी और प्रेम शाहपुर जी और विधायक जी और गौरव जी जो अपने कविता देवी के हस्बैंड हैं, और इन सभी ने यहाँ पर, यहाँ की मेयर है वो भी यहाँ पर पहुँची है, इन सभी ने यहाँ पर इस आयोजन में भाग लेकर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ऐसी पुण्यतिथि, क्योंकि रघुवीर सिंह बलड़ी जी ने हमेशा स्पोर्ट्स के लिए योगदान दिया है, कहीं भी कोई भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रघुवीर सिंह बलड़ी जी वहाँ पर अपना सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उनकी पुण्यतिथि पर ये आयोजन करना बहुत सौभाग्य की बात है। रघुवीर सिंह बलड़ी हैं जो कि खेल कूद को ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, युवाओं में वो मोटिवेशन लेवल को बढ़ाते थे। और आप तो हमारे साथ ब्रिज शर्मा जी भी हैं, JJP के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, वो भी आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं करनाल के अल्फा सिटी में। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज तीसरा विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है? स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी मेरे बड़े भाई थे, मेरे मित्र थे, और वो अपने समय में चाहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात हो विशेष रुचि रखते थे, और आज उनका परिवार रामदयाल बलड़ी, उन्होंने रक्तदान शिविर लगाया, उसमें हमारे मित्र हैं माया राम जी जो कुरुक्षेत्रा से आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं, और सभी साथी अपने पूर्व विधायक जी तीन बार रहे हैं रमेश खटक जी और सभी सीनियर साथी यहां पर उपस्थित हैं। और रक्तदान शिविर की जहां तक बात है, वहां तक आज करनाल में मैं समझता हूं 53-54 थैलीसीमिया के केस हैं और उनको रक्त की लगातार ज़रूरत पड़ती है, इस प्रकार के रक्त के आयोजन से उनको लाभ मिलता है, और ये युवा हमेशा चाहे सड़क की सफाई का काम हो चाहे वृक्षारोपण का काम हो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से प्रेरित होकर लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं तमाम जो खिलाड़ी हैं आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं, स्वर्गीय रघुवीर सिंह बलड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए तीसरा विशाल रक्तदान व मेडिकल शिविर यहाँ पर लगाया गया। युवाओं की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से बढ़ चढ़कर करनाल के आसपास के, चाहे वो कुंजपुरा हो, बलड़ी गाँव के हो, या फिर आसपास कहीं से भी हो, इंद्री से हो, करनाल से हो, आसपास के तमाम युवा आज यहाँ पर करनाल की अल्फा सिटी में पहुंचे हैं जहाँ पर तीसरा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं मैक शर्मा करनाल के अल्फा सिटी से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।